तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि मैशकार पाकियो को हरा कर फिन को बचा लेता है। अब इसके बाद हम मारग्रेटे को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के सामने आता है और वो दोनों भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन दोनों में एक फाइट होनी शुरू हो जाती है। मारग्रेटे उन सभी से कहता है, चुपचाप अपने क्रिस्टल्स मुझे दे दो, तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते और यहां से चुपचाप निकल लो। और वो कंटेस्टेंट्स उसे कहते हैं, एडवांटेज तो हमारे ही पास है, तुम एक हो और हम दो हैं, तुम नहीं बच पाओगे। और ऐसा बोलने के बाद वो लोग मारग्रेटे के ऊपर हमला कर देते हैं और एक कॉम्बिनेशन अटैक यूज करते हैं और तभी मारग्रेटे अपने मैजिक का यूज करके उनके अटैक को काउंटर कर देता है और उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसका अटैक उन दोनों को भी लगने लग जाता है। लेकिन वो लोग एक शील्ड बनाते हैं और उसके अटैक से बच जाते हैं और ये लोग सोच रहे होते हैं, हम दो लोग हैं और ये अकेला और इतना बेसिक सा स्पेल यूज करके हमें हराने की कोशिश कर रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई। और मारग्रेटे उनकी शील्ड को तोड़कर उन्हें पीछे धकेल देता है और अब ये लोग अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते और नीचे पड़े होते हैं जमीन पर। मारग्रेटे उनके पास आता है और उनके क्रिस्टल को उठाकर कहता है, तुमने अच्छी फाइट की, मैं काफी इंप्रेस हुआ। और ऐसा बोलकर वो उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और तभी अनाउंसर इस एग्जाम को खत्म करती है और कहती है, एक टीम ड्रॉप आउट हो चुकी है, ये एग्जाम यहीं पर ओवर होता है। और तभी डॉट सोच रहा होता है, भाई मैं तो बिना कुछ किए जीत गया, ये कैसे हो गया भाई। और ये सभी लोग वहां से बाहर आ रहे होते हैं और मैश और डॉट बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं, ये कैसे डांस है भाई। और अब डॉट मैश का इंटरव्यू भी लेने लगता है और उसे कहता है, तो कैसा लग रहा है मैश आपको, आप इस एग्जाम को जीत चुके हो। और मैश बोलता है, मुझे क्रीम पफ खाना है। और ये सुनकर डॉट उसे कहता है, अरे सर क्या हो गया आपको, कुछ तो बोले यार, आप जीते हो इस मैच को। और अब फाइनल एग्जाम शुरू हो जाता है और इस एग्जाम के अंदर 1-on-1 बैटल्स होने वाली है। रूल्स बहुत ही सिंपल है, अगर आपका ओपोनेंट बेहोश हो जाता है या फिर हार मान लेता है तो आप जीत जाओगे। अब अनाउंसर बोलती है, तो ठीक है पहला मैच होने वाला है मैश जिसके पास 7 गोल्ड कॉइंस है और इसका ओपोनेंट होने वाला है मारग्रेटे जो कि ऑर्कडोम से है और इसके पास 5 गोल्ड कॉइंस है। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस मैच को लेकर और मारग्रेटे मैश से कहता है, अब भी मौका है, तुम यहां से जा सकते हो मैश, तुम मेरे सामने 2 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे। और अब अनाउंसर इस मैच को स्टार्ट करने ही वाली होती कि तभी मैश उस अनाउंसर को रोकता है और बोलता है, 1 मिनट रुकना, मुझे जरा क्रीम पफ खाना है। और अब देखा देखी में मारग्रेटे भी एक सॉसेज निकालता है और उसे चटनी में डुबा कर खाने लग जाता है और ये देखकर मैश उसे कहता है, तुम बहुत ज्यादा चटनी लगा रहे हो, ऐसा करोगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। मारग्रेटे उसे कहता है, अरे नहीं नहीं चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला। और डॉट सोच रहा होता अपने मन में, ये जितने भी ताकतवर लोग होते हैं इतने अजीब क्यों होते हैं। पर मैश और मारग्रेटे एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मारग्रेटे अपनी फुल मैजिकल पावर का यूज करने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि फिन अचानक से ही बीमार पड़ने लग जाता है मारग्रेटे के अटैक की वजह से और लैंस उसे बताता है कि फिन शायद इसीलिए बीमार पड़ रहा है क्योंकि मारग्रेटे की जो मैजिकल पावर है वो कुछ ज्यादा ही है और अब ये फिन को भी अफेक्ट कर रही है। और हमें पता चलता है कि जो मारग्रेटे की जो पावर है ये किसी डिवाइन विजनरी जितनी स्ट्रांग है। मैश दौड़कर मारग्रेटे की तरफ ही जा रहा होता है और तभी वो मैश के ऊपर एक बहुत खतरनाक सी बॉल से हमला करता है और ये बंदा बेसिक मैजिक ही यूज कर रहा होता है लेकिन फिर भी इसका अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और मैश उस अटैक को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हनीकिन एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जिससे कि आप बहुत इजीली मनी जनरेट कर सकते हो और इस ऐप पर आप क्रंचीरोल, स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हो। आपको बस इस हनी गेम ऐप को इंस्टॉल करना है और इस पर साइन अप करके बस इसे चलने देना है और ये आपको अपना इंटरनेट यूज करने के बदले में पैसा देगा जिसका मतलब है कि आप दिन भर मेरी वीडियो देखो और इससे आप पैसा भी जनरेट कर पाओगे। तो हो गए ना भाई मजे ही मजे। और हाँ ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये आपकी कोई प्राइवेसी वगैरह लीक करने वाला है। और अगर आप और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्तों को इस ऐप को रेफर कर दो और अगर इंस्टेंटली $3 कमाना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपको बस वहां पर जाना है और इस ऐप को डाउनलोड करना है वहां से, जहां पर आप मेरा प्रोमो कोड एनीमिटी का यूज करके डायरेक्टली $3 का बोनस कमा सकते हो। तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर डाउनलोड करो और ढेर सारा पैसा कमाओ। और वीडियो पर वापस आते हैं, पर मैश फील करता है कि अटैक बहुत ही ज्यादा भारी है और मैश उस अटैक को नहीं संभाल पा रहा होता और मैश पीछे जाने लगता है और पीछे जाकर एक दीवार से जोर से टकरा जाता है। ये देखकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि मैश तो वहां पर होता ही नहीं है और मैश पीछे से अचानक से आकर मारग्रेटे को पकड़ लेता है और ये देखकर मारग्रेटे भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और मैश उसे पकड़कर हवा में छलांग लगा देता है और स्पाइन मैजिक बोलकर उसे जमीन पर पटकने लग जाता है ताकि ऐसा लगे लोगों को कि इसके पास मैजिक है लेकिन मैश के पास कोई मैजिक पावर नहीं है और हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। और ये देखकर ऑडियंस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सभी लोगों को लगता है कि मैश इस मैच को जीत गया है। और अब डॉट लैन से पूछता है, ओ भाई क्या चल रहा है यार, ये मैच बच कैसे गया, मुझे तो लगा था ये मैच दीवार से टकरा गया और खेल खत्म हो गया। और लैंस उसे बताता है कि ये जो मैच था ये पीछे की तरफ दौड़ रहा था क्योंकि मैश को रियलाइज हो गया था कि वो मारग्रेटे के अटैक को नहीं रोक पाएगा तो इससे पहले कि वो दीवार से टकरा जाता वो उस अटैक से ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ दौड़ने लगा जिससे कि वो उसके अटैक से बच पाया। और धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि मारग्रेटे अभी भी जिंदा है और उसे कोई हल्की सी खरोंच तक नहीं आई है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और मारग्रेटे खड़ा होता है और मैश से कहता है, ये तो बस एक शुरुआत थी। और हमें पता चलता है कि इस मारग्रेटे ने नीचे गिरने से पहले अपने मैजिक का यूज करके एक कुशन टाइप कुछ बना लिया था जिससे कि वो बच गया था। और मारग्रेटे मैश के ऊपर हमला कर देता है और मैश भी बहुत तेजी से दौड़कर उसके अटैक से बच रहा होता है और उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। अब मैश फुर्ती दिखाता है और बहुत तेजी से मारग्रेटे के पीछे आ जाता है बिल्कुल और उसे एक पंच मारने वाला होता है कि तभी मारग्रेटे उसे देख लेता है और मैश पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है
ये देखकर सभी लोग सोचने लग जाते हैं, अबे ये क्या, ये रुक क्यों गया भाई। और मार्गरेट मैश इसे कहता है, एक मिनट मैश, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना मैश। और मैश इसे बोलता है, हाँ दरअसल मैं इस क्रीम पफ को प्रोटेक्ट कर रहा था, मुझे क्रीम पफ बहुत प्यारे हैं, अपनी जान से भी प्यारे। और मार्गरेट उसे कहता है, मैश भाई रख दो यार अभी से, बाद में खा लेना, अभी हमारी फाइट पे ध्यान दो। और मैश उसकी बात मान जाता है और उस क्रीम पफ को दे देता है। और मार्गरेट सोचता है, ठीक है अब मजा आएगा ना, तुम उससे अपनी फुल पावर में लड़ सकते हो। ये सुनकर ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और मार्गरेट कुछ मैजिकल नोट्स का एक मुक्का बनाता है और मैश को मारता है। और मैश भी काउंटर अटैक में एक मुक्का बनाता है और उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन मार्गरेट का अटैक मैश के हाथ के आर पार हो जाता है और सीधा मैश को जाकर लगता है, जिससे कि मैश के कान के पर्दे पड़ जाते हैं। और मार्गरेट उसे कहता है, तुमने मेरे अटैक को हल्के में ले लिया मैश, मुझे पता था तुम ये गलती जरूर करोगे। और मैश के कान के पर्दे फट चुके थे और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जो ये बोल रहा होता है। मार्गरेट उसे, ये क्या बकबक कर रहे हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और मार्गरेट उस पर और भी हमले करने लगता है और मैश को भी उन अटैक्स को रोकने में बहुत दिक्कत आ रही होती है और उसकी हालत भी बहुत बुरी होने लग जाती है। और मार्गरेट एक और अटैक का यूज करता है और मैश के आसपास बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स आ जाते हैं और मैश बीच में खड़ा होता है उन स्पीकर्स के बीच में बिल्कुल। और मार्गरेट मैश से कहता है, तो ये तुम्हारा अंत हुआ मैश, गुड बाय। और इतना बोलकर वो उन स्पीकर्स को चालू कर देता है और उन स्पीकर से बहुत तेज आवाज आने लगती है और उन शॉक वेव्स की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और ये देखकर ऑडियंस को लगता है कि भाई मैश नहीं बचा होगा, इसका कोई चांस नहीं है बचने का। और तभी ग्राउंड में से धुआं हटता है और हम देखते हैं कि मैश वहां पर होता ही नहीं है। और तभी मैश जमीन में से आकर मार्गरेट के पैर को पकड़ लेता है और मार्गरेट को जमीन में गाड़ देता है। और तभी मैश जमीन में से बाहर निकलता है और उसे देखकर मार्गरेट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे पूछता है, अरे भाई तुम कैसे बच गए। पर फिन को सब कुछ समझ आ जाता है कि वहां पर अभी क्या हुआ था। दरअसल जैसे ही वो स्पेल मैश को लगने वाला था, मैश एक छलांग मारकर नीचे जमीन में चला गया। पर अब क्योंकि वो जमीन के अंदर था तो वो स्पेल उस पर पहुंच ही नहीं पाया और मैश मार्गरेट के ऊपर आकर बैठ जाता है और उस पर पंचों की बारिश कर देता है। मैश उस पर लगातार पंचेस मार रहा होता है, मैश रुक ही नहीं रहा होता। और मार्गरेट खड़ा होकर मैश इसे कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा, अब नहीं बचता बेटे तू। और वो मेटामॉर्फोसिस नाम के एक अटैक को यूज करता है और उसका यूज करके एक यंग लड़के में बदल जाता है। ये देखकर मैश हैरान रह जाता है, अरे ये क्या, तुम्हारे बाल कैसे आ गए, तुम तो गंजे थे ना। और मार्गरेट उसे कहता है, हाँ ये मेरा ही स्पेल है भाई, तुम्हारी वजह से मुझे ये फॉर्म लेना पड़ा है। और ऐसा बोलने के बाद मार्गरेट एक चुटकी बजाता है और बिना किसी साउंड के अचानक से ही मैश के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और मैश के कान में एक फूंक मारता है और मैश के पूरे शरीर में झुरझुरी आ जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। मार्गरेट की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसे देखकर सभी को लगता है कि ये टेलीपोर्ट करकर मैश के पास गया था। और तभी मैश उस पर एक मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तभी मार्गरेट वहां से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं कि मार्गरेट स्टेडियम के ऊपर बैठा होता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना मैश, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूं, मेरी इस फॉर्म में मैं स्पीड ऑफ साउंड से भी बहुत तेजी से ट्रैवल कर सकता हूं। और ऐसा बोलकर वो टेलीपोर्ट करते हुए मैश को एक लात मार देता है और मैश दूर जाकर गिरता है। और अब इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। ऑडियंस में बैठा हुआ कोई भी बंदा इन दोनों की फाइट को कोई भी नहीं देख पा रहा होता, क्योंकि ये लोग इतनी ज्यादा तेजी से फाइट कर रहे होते हैं कि उनकी आईज इस फाइट को परसीव ही नहीं कर पाती है। अब मार्गरेट फिर से एक चुटकी बजाता है और मैश की तरफ आने लगता है और उसे एक लात मारने वाला होता है कि तभी मैश वहां से गायब हो जाता है। और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि भाई मैश ने इसे कैसे डॉज कर लिया। और तभी मैश मार्गरेट के पीछे आ जाता है और हमें पता चलता है कि मैश ने साउंड की प्रॉपर्टीज का यूज किया है। जो साउंड होती है वो गैस से ज्यादा लिक्विड में ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है और सॉलिड में और भी ज्यादा तेजी से। और मैश ने उस वॉल को टच करके रखा हुआ था जो कि एक सॉलिड है, जिससे कि मैश को वो साउंड पहले ही आ चुकी थी। और मैश अपने रिफ्लेक्सेस का यूज करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और मार्गरेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मैश इसे कहता है, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और ऐसा बोलने के बाद वो चुटकी बजाने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि उसकी उंगली में सॉस लगी होती है और ये सॉस किसी और ने नहीं, मैश ने लगाई होती है, ये क्रीम पफ की सॉस। और उसे समझ नहीं आता कि मैश ने इस क्रीम पफ की सॉस को उसके ऊपर कब लगाया। और अब इस सॉस की वजह से मार्गरेट चुटकी नहीं बजा पाता और इसी मौके का फायदा उठाकर मैश उसके पास आता है और उसे बहुत जोर से जमीन पर पटक देता है। मार्गरेट अपनी छड़ी को बाहर निकालता है और अपने सेकंड मैजिक टेक्निक का यूज करने लग जाता है, जिससे कि उस पूरी की पूरी जगह पर एक खतरनाक सा मैजिक फैलना शुरू हो जाता है और ग्राउंड के बीचों बीच एक बहुत बड़ी सी बेल आ जाती है और इस बेल की आवाज जो भी बंदा सुनता है वो कुछ टाइम के लिए पावरलेस हो जाता है। 2 किलोमीटर के रेडियस में इसकी आवाज फैलती है और इस बेल को डेथ बेल भी कहा जाता है। और अभी 1 मिनट में ये बेल बजने वाली है और जो भी इसे सुनेगा उसकी पावर्स डिसेबल हो जाएंगी कुछ टाइम के लिए। और अब अगर मैश इसे रोकना चाहता है और ऑडियंस को बचाना चाहता है तो इसे मार्गरेट के हाथों से उस छड़ी को छीनना होगा। 1 मिनट के अंदर अंदर उसे साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल करना होगा। पर हम देखते हैं कि मैश इसे पकड़ नहीं पा रहा होता और अब जब सिर्फ 10 सेकंड बजाते हैं उस बेल के बजने के लिए, तो मैश अपने हाथों को नीचे जमीन में डालता है और बहुत ज्यादा ताकत लगाता है और पूरी की पूरी जमीन को ही मार्गरेट के ऊपर फेंक देता है और इसे एक डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करते हुए मार्गरेट की तरफ बढ़ने लगता है बहुत तेजी से। और अब उसके पास भागने के लिए सिर्फ 2 चॉइसेस होती है, या तो वो लेफ्ट जा सकता है या फिर वो राइट जा सकता है। और मैश की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करके मार्गरेट लेफ्ट की तरफ जाने लगता है ताकि वो इससे बच पाए, लेकिन तभी मैश उसके पीछे आ जाता है और अपनी
छोटी वाली उंगली से उसके कपड़े को पकड़ लेता है और अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मार्गरेटे को पीछे की तरफ खींच लेता है और उसकी छड़ी को भी तोड़ देता है और जो बेल होती है वो वहां से गायब हो जाती है और मैश इस मार्गरेटे को हरा देता है और डिवाइन विजनरी बनने के एक और कदम नजदीक आ चुका है। और मार्गरेटे भी मैश से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। सच में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो मैश, मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम जीत गए मैश। और ये सुनकर मैश के दोस्त बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मैश जीत गया भाई, उसने अपनी सबसे बड़ी रुकावट को हरा दिया, शुक्र है मैश जीत गया। और मैश वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर एक खतरनाक सा ऑरा फैलने लग जाता है, पूरे स्टेडियम में फैल जाता है वो ऑरा। सभी लोग घबराने लग जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है, ये क्या चीज है भाई। और तभी वो लोग आसमान में देखते हैं और देखते हैं कि आसमान में क्रैक्स आने शुरू हो चुके हैं और उस आसमान में से कुछ बंदे बाहर निकलते हैं और ये इनोसेंट जीरो और उसके दोस्त होते हैं। और इनोसेंट जीरो अपने साथियों के साथ इस स्टेडियम में आ चुका है और अपनी पावर का यूज करता है वो और टाइम को रोक देता है और अब स्टेडियम के अंदर जितने भी लोग थे वो रुक जाते हैं। और अब इनोसेंट जीरो मैश के पास आता है और मैश इसे कहता है, बहुत टाइम से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैश तुम कितने ब्यूटीफुल हो यार, मुझे लगा नहीं था तुम इस टूर्नामेंट में सर्वाइव कर जाओगे, तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो मैश, और अब तुम्हारी वजह से मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। और ये लोग मैश को वहां से ले जाने वाले होते कि तभी हेडमास्टर वहां पर आ जाता है और इनोसेंट जीरो से कहते हैं, मैं तुम्हें मैश को यहां से नहीं ले जाने दूंगा और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, क्यों आए हो यहां पर। और इनोसेंट जीरो से कहते हैं, अरे 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 हेडमास्टर जी, मैं तो बस एक इंसान बनना चाहता हूं वापस से, खूबसूरत पावरफुल, पर कुछ पाने के लिए तुम इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, पता है ना तुम्हें, तुम लोगों की मैजिकल पावर को छीन रहे हो और उन्हें खत्म कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे अरे अंकल जी, इतने सेंटी क्यों रहे हो, ये सब लोग मेरे लिए तो एग्जिस्ट करते हैं और ये मैश तो मेरा बेटा है, इसलिए मैं मैश को वापस से अपने घर लेकर जा रहा हूँ। और ये सुनकर हेडमास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैश एक डिवाइन विजनरी बनने वाला है, अगर तुम मैश को यहाँ से ले जाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और अभी दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी अपनी छड़ियों को बाहर निकालते हैं, समन ओरोनोस, समन ग्रोनोस। और अब इन दोनों की पावर्स एक दूसरे के साथ क्लैश करने लग जाती हैं और इनोसेंट जीरो जमीन में से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को बाहर निकालता है और हेडमास्टर भी अपनी पावर का यूज करते हैं और स्टेडियम के कुछ लोग वापस से रिवाइव हो जाते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है मैश, मार्गरेटे, डॉट, लैंस, ये सभी लोग। और डॉट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहां पर चल क्या रहा है और हेडमास्टर उसे कहते हैं, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी जो लोग हिल पा रहे हो तुम इन डीमंस को संभालो और मैं इस इनोसेंट जीरो को देखता हूं, जो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, मैं तुम सभी पर बहुत भरोसा करता हूं, मेरा भरोसा मत तोड़ना। और ये सुनकर सभी लोग उन डीमन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और डॉट भी अपने अटैक का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है और लैंस भी अपनी ग्रेविटी पावर का यूज करते हुए उन मॉन्स्टर्स को मारता है। अब हेडमास्टर अपनी पावर का यूज करता है और इनोसेंट जीरो और खुद को आसमान में लेकर आ जाता है और इधर दूसरी तरफ नीचे डॉट और लैंस आसमान में देखते हैं और देखते हैं कि आसमान में एक बहुत बड़ा सा कांटा सा होता है और ये किसी और ने नहीं बल्कि सेल वॉर ने बनाया होता है, जिसे हमने पहले के पार्ट में देखा था। और उसे देखकर डॉट को याद आता है, अरे ये तो वही है, इसने तो पहले भी हम पर अटैक किया था, ये फिर से आ गया। और हम देखते हैं कि सेल वॉर एक बहुत बड़े कांटे को उनकी तरफ फेंकने वाला होता है और तभी उनके सामने और भी पावरफुल डीमंस आने लगते हैं और मैश को देखते हैं जो कि अकेला खड़ा होता है बीच में और मैश सेल वॉर से लड़ने के लिए वहां से चला जाता है और मैश उस टावर के नीचे आ जाता है जहां पर ये सेल वॉर खड़ा हुआ था और उस टावर पर लगातार लाते मारने लग जाता है और लाते मार मार कर उस टावर को बहुत ही छोटा कर देता है। लेकिन मैश को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि इसने इस सेल वॉर को कहां पर देखा है, ये भूल चुका है इस सेल वॉर को। और इस तरफ हम देखते हैं कि ये बेबी सिटर अपने मैजिक का यूज करके डॉट को एक बच्चा बना देता है छोटा सा और अब डॉट अपना मैजिक यूज नहीं कर पा रहा होता और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और लैंस के पास जाकर उससे मदद मांगता है और लैंस समझ जाता है कि इस बंदे के पास एक स्पेशल मैजिक है जिसका यूज करके ये किसी भी इंसान को बच्चा बना सकता है। और तभी हम देखते हैं कि बेबी सिटर वहां पर एक झुनझुना फेंक देता है डॉट की तरफ और डॉट उस झुनझुने का पीछा करने लगता है और अब लैंस के पास कोई और चारा नहीं होता और वो डॉट को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और तभी वो बेबी सिटर लैंस पर भी हमला कर देता है और उसे भी एक छोटा सा बच्चा बना देता है। लेकिन तभी लैंस अपनी छोटी सी वॉन्ड का यूज करते हुए उस बेबी सिटर को हरा देता है और बेबी सिटर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो छोटा सा बच्चा बन गया था फिर भी इतना ताकतवर है ये। और अब उस बेबी सिटर को हराने के बाद ये लोग वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और बड़े बन जाते हैं और दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो और हेडमास्टर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और इनोसेंट जीरो हेडमास्टर को अपनी शक्ल दिखाता है और हम देखते हैं कि इस बंदे की शक्ल ही नहीं होती है और ये देखकर हेडमास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इनोसेंट जीरो से कहते हैं, अरे हेडमास्टर जी, मैं तो आपका दोस्त हूँ, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं कोई भूत होता हूँ, चलो रुको मैं अपना चेहरा बदल लेता हूँ, ये लो अब तो आप मुझे पहचानते हो ना। और उसे देखकर हेडमास्टर उसे पहचान लेते हैं और इनोसेंट जीरो हेडमास्टर को बताता है कि उसके दो डिजायर्स हैं, पहला वो मैश को अपने साथ लेकर जाना चाहता है क्योंकि मैश उसके किसी रिचुअल में उसकी हेल्प कर सकता है और मैश ही उसे कंप्लीट कर सकता है और उसका दूसरा डिजायर है हेडमास्टर को खत्म करना। अब इनोसेंट जीरो अपनी मैजिक पावर का यूज करता है और लिविंग डेड नाम का एक फॉरबिडन स्पेल यूज करता है और उस अटैक को देखकर हेडमास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, ये नहीं हो सकता, ये तो एक फॉरबिडन स्पेल है, इनोसेंट जीरो तुम इंसान हो या मॉन्स्टर, ये क्या कर रहे हो तुम,
और इस तरफ हम देखते हैं कि सेल्वर और मैश आपस में लड़ रहे होते हैं और सेल्वर मैश से पूछता है, अबे मैश भूल गया मुझे? और मैश को अभी भी याद नहीं आ रहा होता कि ये कौन है बंदा, और मैश को इस बंदे की शक्ल की जगह एक क्रीम पफ दिखाई दे रहा होता है। और तभी सेल्वर मैश के ऊपर अपने कांटे से हमला करता है, पर मैश उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है और सेल्वर उस पर बहुत सारे कांटों से हमला करता है, लेकिन मैश उसके सभी के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और मैश उसके अटैक से बचते हुए उसके काफी करीब आता है और उसके मुंह पर एक बहुत जोरदार पंच मारता है और उसे बहुत दूर जाकर गिरा देता है। अब इसके बाद हम एडम के बारे में जानते हैं। एडम एक लेजेंडरी मैजिक यूजर था और वो काफी सेंचुरीज तक इस दुनिया के टॉप में रहा था मैजिक यूज करने में, और उसने अपना एक खुद का मैजिक एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया था और उसी ने मैजिक ऑफ ब्यूरो को भी इन्वेंट किया होता है। ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर था और सभी लोग उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे, और उसने अपनी पूरी लाइफ लोगों की भलाई के लिए लगा दी। उसने एक ग्रुप बनाया जो कि कमजोरों की हेल्प करने के लिए था, और उस ग्रुप के अंदर एडम के 3 स्टूडेंट्स थे जिसमें से एक हेडमास्टर भी थे। और इस तरफ प्रेजेंट में इनोसेंट जीरो उसी फॉरबिडन स्पेल का यूज करता है और वो एक कॉफिन के अंदर से एडम को बाहर निकालता है, इन दोनों का मास्टर। और ये देखकर हेडमास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, ये तुमने क्या किया, तुमने अपनी इंसानियत खो दी है क्या? फाइनली मैंने एक ऐसा मैजिक इन्वेंट कर लिया है जिससे कि मैं किसी के एक फ्लैश के सेगमेंट से ही उसका पूरा का पूरा शरीर रिवाइव कर सकता हूँ और उसे वापस से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही यूज कर सकता हूँ। और तभी इनोसेंट जीरो का एक और साथी वहाँ पर आ जाता है। इस बंदे का नाम नेग्रोस होता है और ये अपनी ताकत का यूज करके एडम को कंट्रोल कर रहा होता है किसी पपेट की तरह। पर हेडमास्टर से कहता है, तो मैं ही हूँ तुम्हारा ओपोनेंट और इस एडम को अब से मैं ही कंट्रोल करूंगा, मैं हूँ एडम का कंट्रोलर और ये एडम अब मेरे इशारों पर चलेगा और बुढ़े तुम अब खत्म होने वाले हो। अब नेग्रोस एडम की बॉडी को कंट्रोल करते हुए एडम की मैजिकल पावर्स का यूज करता है और हेडमास्टर पर हमला कर देता है। हेडमास्टर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं और पहला अटैक पड़ते ही उन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये मैजिक पावर उनके मास्टर की ही है जो कि इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन थे। और इनोसेंट जीरो से कहता है, मैं जानता हूँ हमारे हेडमास्टर कुछ ज्यादा लंबा नहीं जिए, सच बोलूं तो मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ, इसलिए मैंने उनकी बॉडी को रिवाइव किया और तुम तो हेडमास्टर के सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे, है ना? और अब एडम का यूज करते हुए नेग्रोस उस पर एक और हमला करता है और वो हमला हेडमास्टर के बहुत करीब से निकलता है और वो अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो एक पूरी की पूरी चट्टान को ही गायब कर देता है। और अब वो फिर से एडम का यूज करते हुए डार्क स्नेक नाम के एक अटैक को यूज करता है और वो अटैक हेडमास्टर के बिल्कुल साइड में से निकलता है और उनके कपड़े को चीरते हुए निकलता है। ये देखकर हेडमास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे हेडमास्टर जिस पावर को यूज करते थे वो डार्क मैजिक ही था, ये मैजिक जिस भी चीज को टच करता है उसे वॉइड में भेज देता है। और वो एडम का यूज करते हुए हेडमास्टर पर डबल स्नेक नाम के एक अटैक का यूज करता है और वो अटैक उन्हें सीधा जाकर लगता है, लेकिन हेडमास्टर उसके इस अटैक को काट देते हैं। और ये देखकर नेग्रोस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है, ये कैसे हुआ? और अब नेग्रोस उस पर डार्क इंपैक्ट नाम के एक अटैक से हमला करता है और हेडमास्टर भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को बहुत इजीली काट देते हैं और उसकी एक पार्ट को ही काट देते हैं। पर नेग्रोस बोलता है, ये क्या हुआ? चिंता मत करो, जो पार्ट तुमने अभी खोया है वो थोड़ी देर में अभी वापस आ जाएगा, इससे तुम मरोगे नहीं। और अब हम देखते हैं कि एडम बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी यूज करने लग जाता है और डार्क मैजिक की एक बहुत बड़ी बॉल बनाकर हेडमास्टर पर फेंक देता है और ऐसा लग रहा होता है कि हेडमास्टर अब नहीं बचेगा, लेकिन हेडमास्टर हंसते हुए उसे कहते हैं, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी है, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैंने अभी तक अपनी छड़ी का 20% भी यूज नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी पावर का यूज करूंगा। और ऐसा बोलने के बाद हेडमास्टर स्पेस आइडेंटिफायर नाम का एक अटैक यूज करते हैं जो कि इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो एडम के सारे डार्क मैजिक को कट कर देती है और एडम के साथ साथ नेग्रोस को भी अपने अटैक में खींच लेते हैं। और दूसरी तरफ हम सेल्वर और मैश को देखते हैं और अब सेल्वर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और उसके चेहरे पर तीसरी मैजिक लाइन भी आ जाती है और अपनी छड़ी की पूरी पावर को अनलीश कर देता है और ये इसकी छड़ी की ट्रू फॉर्म होती है। और सेल्वर मैश इसे कहता है, तो ठीक है मैश, अब मुझे बस तुम्हारा हार्ट चाहिए है, इसके अलावा मैं तुम्हारे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को काट डालूंगा। और ऐसा बोलने के बाद वो उस पर डायमंड कटर नाम का एक अटैक यूज करता है जिस पर 4 ब्लेड्स लगे हुए थे और मैश उसे बहुत मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। और ये डायमंड और ये डिस्क मैश का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक कि इसे बीच में से काट नहीं देती। और हम देखते हैं कि ये डिस्क लगातार मैश पर हमले कर रही होती है और मैश को थोड़ा सा इंजर्ड भी कर देती है और मैश बहुत ही तेजी से फुर्ती दिखाते हुए उन डिस्क से बच रहा होता है। मुझे इनको इग्नोर करना होगा और सीधा सेल्वर पर हमला करना होगा। सेल्वर उसे कहता है, क्या तुम उसे डर रहे हो मैश? अगर तुम यहाँ से भी भागे ना तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मार डालूंगा। और तभी हम देखते हैं कि मैश वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर सेल्वर कंफ्यूज हो जाता है, अबे हैं ये क्या, मैंने तो इसे धमकी दी थी, ये डरा नहीं मेरे से, ये मुझे सीरियस नहीं ले रहा क्या, इसने इतनी जल्दी हार मान ली, ये क्या वजह है? और तभी वो देखता है कि मैश बिल्कुल उसके पीछे आ चुका है और मैश सेल्वर से कहता है, मैं इस एकेडमी के चारों तरफ एक चक्कर काट कर आया हूं और मैंने उस डिस्क से पीछा छुड़ा लिया है। और ये सुनकर सेल्वर हैरान रह जाता है और सोचने लग जाता है, भाई ये कैसे हो सकता है, मेरी चक्रें तो बहुत तेज हैं, अबे ओ मैश कितनी तेजी से दौड़
पड़ा तो वही। और हम देखते हैं कि मैश उस पूरी की पूरी अकेडमी की चारों तरफ एक चक्कर काट कर आया होता है और मैश सेल वॉर को पकड़ लेता है। और उसका प्लान ये होता है कि जैसे ही वो डिस्क मैश को काटने के लिए उसके पास आएगी तो वो सेल वॉर को भी बीच में से काट देगी। और तभी सेल वॉर अपनी बॉडी को डायमंड की तरह हार्ड बना लेता है जिससे कि वो उन डिस्क से बच पाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो डिस्क मैश के पास आकर लगती है और मैश नीचे गिर जाता है। और सेल वॉर हंसने लग जाता है और कहता है, बस हो गया तेरा, इतना ही जोर था तुम्हें, हट। और ऐसा बोलकर वो मैश के सिर पर लात मारने लगता है। तुम कितने पथेटिक हो, किसी काम के नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तभी सेल वॉर नोटिस करता है कि मैश के सिर की जगह एक क्रीम पफ होता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और तभी मैश खड़ा हो जाता है और अपने सर पे से उस क्रीम पफ को हटाता है। हेलो। और ये देखकर सेल वॉर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो लगा था कि उसने मैश को अभी हरा दिया है, पर मैश तो बिल्कुल सही सलामत है, ये कैसे हो सकता है। और अब मैश जबरदस्ती कुछ क्रीम पफ्स को सेल वॉर के मुंह में डालने लगता है और सेल वॉर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मैश जिंदा कैसे है, ये तो अभी कट गया था ना। और मैश उसे बहुत सारे क्रीम पफ्स खिलाने लग जाता है जिससे कि सेल वॉर की सांसें रुकने लग जाती है। और मैश उसके गले को पकड़ लेता है और उसे काफी ताकत से दबाने लग जाता है। और हमें पता चलता है कि इस सेल वॉर को हाइपोक्सिया हो गया था। ऐसा तब होता है जब दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमें हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। और फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि कैसे मैश उस अटैक से बच पाया था। दरअसल जैसे ही वो डिस्क मैश को पहले लगने वाली होती है तो मैश ने अपनी बची हुई ताकत से सेल वॉर के गले को पूरी तरह से दबा दिया था जिससे कि सेल वॉर के ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी और वो सांस नहीं ले पाया। और एक सेकंड के अंदर अंदर ही उसने सेल वॉर को खत्म कर दिया। और जैसे ही उसने सेल वॉर को हराया तो वो डिस्क वहां से गायब हो गई और वो डिस्क मैश को कभी लगी ही नहीं, जिसका मतलब है कि सेल वॉर ने जो भी देखा था वो एक इल्यूजन था, वो डिस्क मैश को कभी लगी ही नहीं और ये क्रिम्प अप वाला सीन भी बस एक इल्यूजन था। और अब सेल वॉर के खत्म होने की वजह से वो जो कांटे वाला अटैक होता है उसका वो भी खत्म हो जाता है और मैश सेल वॉर को हरा देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं रियो और शॉन को, जिन्हें यहाँ पर पहुंचते पहुंचते दो एपिसोड्स लग गए, पर आखिरकार ये लोग ईस्टर्न मैजिक एकेडमी पहुंच ही जाते हैं। और हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो के मैजिक की वजह से शॉन वहीं पर स्टॉप हो जाता है और रियो समझ जाता है कि यहाँ पर किसी ने टाइम स्टॉप वाला मैजिक यूज किया है और वो उम्मीद करता है कि मैश बिल्कुल ठीक होगा। और फाइनली वो अरीना में पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन्होंने उन सभी को हरा दिया है। और तभी ऑर्डर बोलता है, नहीं यार अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी हेडमास्टर इनोसेंट जीरो के साथ लड़ रहे हैं और हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो लोग कहां पर लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई से पहले उन्होंने एक ट्रांसफर मैजिक का यूज किया था और उन दोनों को यहां से मूव कर लिया था। ये सुनकर मैश तैयार हो जाता है और कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं हेडमास्टर को ढूंढ निकालूंगा, और एकदम से भागने लग जाता है। और तभी ऑर्डर सेल वॉर के पास जाता है उसे इंटेरोगेट करने के लिए। अब ऑर्डर उस पर हमला करने लगता है लेकिन तभी सेल वॉर एक शील्ड बनाता है और ऑर्डर का मैजिक पूरी तरह से तबाह हो जाता है और एकदम से वो बैरियर चमकने लग जाता है और सेल वॉर को पूरी तरह से ट्रांसफर कर देता है कहीं और जगह पर। और तभी मार्गरेट वहां पर आता है और उन्हें पता चल जाता है कि इनोसेंट जीरो के किसी मेंबर का काम है और वो आसपास ही है और सेल वॉर को बचा रहा है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम मैश को देखते हैं जो कि हेडमास्टर को ढूंढने के लिए जंगलों के बीच भाग रहा होता है बहुत तेजी से। और इस तरफ हम हेडमास्टर और इनोसेंट जीरो को देखते हैं और अब हेडमास्टर का मुकाबला है इनोसेंट जीरो के साथ। अब हेडमास्टर अपना पहला स्पेल कास्ट करते हैं जो कि था टाइम स्कोल्ड और इसको काउंटर करने के लिए इनोसेंट जीरो स्पेसलेस मैजिक का यूज करता है और अपने आप को उस पूरे के पूरे स्पेस से ही रिमूव कर देता है। और हेडमास्टर इनोसेंट जीरो के ऊपर अपने स्पेस बाउंड से हमला करते हैं लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि इनोसेंट जीरो ठीक उसके पीछे आ चुका है। और ये देखते ही उन्हें रियलाइज हो जाता है कि शायद इनोसेंट जीरो टाइम को मैनिपुलेट कर रहा है। और तभी इनोसेंट जीरो अपना टाइम्स रीबाउंड मैजिक स्पेल को कास्ट करता है और अचानक से हेडमास्टर की बॉडी आधी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, उनकी आधी बॉडी ऐसा लगता है कि जैसे डेड हो चुकी है। और तभी इनोसेंट जीरो से कहता है, अभी ये सेम चीज आपके लेग के साथ भी होने वाली है हेडमास्टर जी। और इनोसेंट जीरो की इतनी ज्यादा पावर को देखकर हेडमास्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ताकत हो चुके हो इनोसेंट जीरो, अब लगता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और फिर वो कंटिन्यूअसली स्पेस बाउट नाम की एक अटैक को यूज करते हैं पर उन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये चीज इनफ नहीं है क्योंकि इनोसेंट जीरो टाइम मैजिक का यूज करके उनके अटैक्स को अपनी तरफ आने ही नहीं दे रहा था। हेडमास्टर उस पर कंटिन्यूअसली अटैक करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। और तभी इनोसेंट जीरो से कहता है, हेडमास्टर जी आपको नहीं लगता आप बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो, मुझे लगता है आपको अब रिटायर हो जाना चाहिए। और हेडमास्टर फिर से बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इनोसेंट जीरो फिर से ठीक उसके पीछे खड़ा था और अब हेडमास्टर को गुस्सा आ चुका है और उनकी पूरी की पूरी बॉडी से एक और ऑरा निकलने लग जाता है, भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मैं ये करने वाला हूं। और इनोसेंट जीरो अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं जो कि अभी ये हेडमास्टर करने वाला है। ये चीज मैजिक का एपिटोन है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिकल स्पेल है। और हेडमास्टर अपनी पूरी की पूरी मैजिकल पावर को यूज करने लग जाते हैं और अपने थर्ड स्पेल पेसिस थर्ड को कास्ट करते हैं। इस स्पेल की वजह से गॉड की पावर अनलीश हो जाती है। इनोसेंट जीरो, तुम जरूर से इस पावर के बारे में जानते होगे, ये पावर ऑफ यूरेनस है, गॉड ऑफ द स्काई, और अब तुम इससे नहीं बच सकते। और तभी इनोसेंट जीरो उसे कहता है, नहीं हेडमास्टर आप ये नहीं कर सकते। और तभी इनोसेंट जीरो टाइम स्कोल्ड नाम का एक अटैक यूज करके उन पर हमला करता है और स्पेस में गायब हो जाता है और एक दूसरे स्पेस में ट्रैवल कर जाता है। इनोसेंट जीरो अब तुम नहीं बच सकते, तुम्हारा टाइम आ चुका है, इस एकेडमी का हेडमास्टर होने के नाते मैं इस पूरे के पूरे एरिया को ही ढेर करने वाला हूँ। और फाइनली हेडमास्टर की जो मेन पावर होती है वो एक्टिवेट होना चालू हो जाती है। ने बहुत गलत काम किए और मैं इस चीज के लिए बहुत देर से वेट कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से पूरा का पूरा एरिया फ्रीज हो जाता है, सब कुछ इंक्लूडिंग वो स्पेल भी हेडमास्टर के साथ साथ फ्रीज हो जाता है। इनोसेंट जीरो ने टाइम को फ्रीज कर दिया था, भले ही आपका अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन आप उस आदमी को कभी नहीं हरा सकते जो कि टाइम को कंट्रोल कर सकता हो। हेडमास्टर जी जिस मोमेंट से आप मेरे साथ लड़ने के लिए आए हो उसी मोमेंट से आपका हारना पहले ही डिसाइड हो गया था। और वो हेडमास्टर के ऊपर कंटिन्यूअसली हमले करता है अपने टाइम्स एरो रिंग की हेल्प से
और हेडमास्टर को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। लेकिन इस अटैक की वजह से हेडमास्टर का जो अटैक होता है वो फिर से रिवाइव हो जाता है और ज्यादा पावर के साथ काम करना चालू कर देता है। शायद तुम्हें इस मैजिकल स्पेल की असली ताकत का अंदाजा नहीं है इनोसेंट जीरो। अगर मैं मर भी जाऊँ तब भी ये स्पेल कास्ट होकर ही रहेगा। और ये सुनकर इनोसेंट जीरो शॉक रह जाता है और अब हेडमास्टर अपनी पूरी की पूरी मैजिकल पावर को इस स्पेल में लगा देते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है कैसे वो अपने फ्रेंड के फ्यूचर के लिए डेस्परेट है। उन्होंने सब कुछ किया मैश के लिए। वो मैश की बहुत परवाह करते हैं। मैं उनकी मेहनत को जाया नहीं होने दूंगा। मैं इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ जहाँ हर किसी के वीकनेस को एक्सेप्ट करे, तभी जाकर हम एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। और मैं उन सभी को बचाऊंगा जो अभी कमजोर है, ठीक उसी तरह से जैसे किसी टाइम पर मैं हुआ करता था। और तभी पूरा का पूरा एरिया लाइट से भर जाता है और उनका मैजिकल स्पेल कास्ट होने लग जाता है। पूरे आसमान में एक ब्राइट लाइट सी छा जाती है। ये चीज देखकर सभी को समझ में आने लगता है कि शायद हेडमास्टर ने उस थर्ड स्पेल को एक्टिवेट कर दिया है। और तभी हमें हेडमास्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा हांफ रहे होते हैं। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं तो ये देखकर उनका दिमाग खराब हो जाता है कि इनोसेंट जीरो उनके सामने खड़ा है बिल्कुल ठीक ठाक। उसको एक खरोंच तक नहीं आई उनके अटैक से। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद इनोसेंट जीरो ने पूरे के पूरे टाइम को ही रिवर्स कर दिया है। इसने पूरे के पूरे स्पेस और टाइम को ही मैनिपुलेट करके रिवर्स कर दिया जिससे कि वो अटैक उसे लगा ही नहीं। और तभी इनोसेंट जीरो हेडमास्टर पर हमला कर देता है और उनमें से एक एरो आकर हेडमास्टर को लग जाता है और उनकी वॉन्ड नीचे गिर जाती है और हेडमास्टर भी बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। और तभी इनोसेंट जीरो हेडमास्टर के बाल पकड़ लेता है और उन्हें कहता है आप काफी स्ट्रांग थे लेकिन मैं आपसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं और अब आपकी मौत होने वाली है। और तभी एक एरो आता है और हेडमास्टर के माथे के सामने आकर रुक जाता है और तभी हेडमास्टर की पूरी लाइफ उनकी आंखों के सामने फ्लैश होती है और रोने लग जाते हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाए थे। वो इस दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाना चाहते थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और जैसे ही इनोसेंट जीरो ने मारने वाला होता है तभी मैश वहां पर आ जाता है और इनोसेंट जीरो के मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है। और तभी मैश हेडमास्टर से कहता है हेडमास्टर अपने एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पर मुझसे पूछा था ना कि अगर मेरे सामने मुझसे भी कोई बहुत ज्यादा ताकतवर आदमी आ गया तो मैं क्या करूंगा, तो आज आप देख लो मैं उसे ऐसे ही नॉकआउट करने वाला हूं अपने मैजिक एंड मसल का यूज करके। और तभी हम देखते हैं कि मैश हवा में उड़ने के लिए अपने पैरों को बहुत जोर जोर से हिला रहा होता है और तभी इनोसेंट जीरो मैश से कहता है मैश मेरे बेटे तुम वापस आ ही गए, मुझे बहुत खुशी है तुम्हें देखकर, चलो अब वक्त आ चुका है कि तुम मुझसे मिल जाओ। लेकिन मैश बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं देता और ये देखकर इनोसेंट जीरो को गुस्सा जाता है। इनोसेंट जीरो अपना मैजिकल स्पेल कास्ट करता है और मैश और हेडमास्टर को दोनों को एक मैजिकल बाउंड्री के अंदर कैद कर देता है। लेकिन तभी मैश उस बैरियर से बाहर निकलता है हेडमास्टर को लेकर और तभी इनोसेंट जीरो एक मैजिकल स्पेल यूज करने लगता है और ये वाला मैजिकल स्पेल उसका नहीं बल्कि हेडमास्टर का होता है। दरअसल ये जो मैजिक बाउंड्री थी जो भी इसने क्रिएट करी एक ऐसी मैजिकल बाउंड्री है कि जो भी इंसान इस बाउंड्री के अंदर आता है तो उस आदमी के सारे मैजिकल स्पेल इनोसेंट जीरो के पास आ जाते हैं। और अब इनोसेंट जीरो हेडमास्टर का अटैक यूज करने लगता है स्पेस सैक्रिफाइस और इस बार उसका मैजिकल स्पेल इतना ज्यादा पावरफुल था कि खुद हेडमास्टर भी ये देखकर शॉक रह जाता है कि उसका अटैक इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया और वो एक पूरे के पूरे पहाड़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी इनोसेंट जीरो कहता है मैं सभी को खत्म कर दूंगा, मैश अब तुम मेरे हो समझे तुम। और तभी मैश एकदम से आगे बढ़ता है और कंटिन्यूअसली इनोसेंट जीरो को मारने लग जाता है। लेकिन तभी इनोसेंट जीरो उसके हाथों पकड़ लेता है और उसे कहता है तुमने देखा मैश मुझे खरोंच तक नहीं आई। और एकदम से मैश को पुश कर देता है और उस पर अपना मैजिकल स्पेल यूज करता है। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सा फील होता है। इनोसेंट जीरो के फेस का पूरा स्ट्रक्चर एकदम से बिगड़ने लग जाता है। मैश को देखकर समझ नहीं आता हां ये क्या हो रहा है। दरअसल इनोसेंट जीरो का जो मैजिक पावर है ये उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अब उसकी बॉडी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही और इसीलिए वो मैश की बॉडी चाहता है ताकि वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन पाए। मैश तुम मेरे लिए एग्जिस्ट करते हो सिर्फ, तुम मुझे एक बेहतर इंसान बनाओगे, एक ह्यूमन जो कि कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता, वो इस दुनिया में नहीं रह सकता। अब इनोसेंट जीरो उन दोनों पर हमला करता है और वो अटैक हेडमास्टर को लगने वाला होता है कि तभी मैश बीच में आता है और हेडमास्टर को उस अटैक से बचा लेता है। और तभी अचानक से इनोसेंट जीरो के पीछे जो आसमान था वो फिर से टूटने लग जाता है और एक टेलीपोर्टेशन विंडो खुलने लग जाती है और इनोसेंट जीरो वहां से जाने लगता है और जाते जाते उन दोनों को बोलता है मैं वापस आऊंगा पूरी तैयारी के साथ, मैश मैं तुम्हें लेने जरूर वापस आऊंगा, चिंता मत करो तुम। और एक लास्ट मैजिकल स्पेल यूज करता है और जो टाइम बाउंड हो रखा था पूरे के पूरे एरिना के ऊपर उसे तोड़ देता है और वहां पर जितने भी डेड मॉन्स्टर्स थे वो सभी के सभी वैनिश होने लग जाते हैं और वो सभी के सभी डीमंस आसमान में जाकर कंबाइन होने लग जाते हैं और एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। और हेडमास्टर और मैश इस डीमन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इनोसेंट जीरो वहां से चला जाता है टेलीपोर्ट होकर और तभी हेडमास्टर का सर चकराने लग जाता है और नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी रियो वहां पर आता है और हेडमास्टर को बचा लेता है। लेकिन हेडमास्टर की इंजरीज को देखकर रियो बहुत ज्यादा डर जाता है और नीचे हम मैश को देखते हैं जो कि उस डीमन की तरफ जा रहा होता है बहुत तेजी से भागते हुए और एरिना में जितने भी लोग अभी तक फ्रीज हो रखे थे वो लोग फिर से ठीक हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि यहां पर अभी क्या हुआ और तभी उनका ध्यान उस मॉन्स्टर के ऊपर जाता है जो कि एरिना के बाहर ही था और सभी के सभी लोग उसे देखकर शॉक रह जाते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये डीमन एक ही मुक्के में आउटर वॉल को तबाह कर देता है और बहुत सारे पत्थर एरिना में गिरने लगते हैं। लेकिन तभी लैंस अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उन पत्थरों को तोड़ देता है और उस स्टेडियम में अफरा तफरी मच जाती है और सभी के सभी स्टूडेंट्स वहां से भागने लगते हैं अपनी जान बचाकर और तभी डॉट भी उस डीमन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके अराउंड एक मैजिक नलीफाइंग बैरियर लगा हुआ था जैसे कि सेल वॉर के अराउंड बना हुआ था और ये जो बैरियर है ये इनोसेंट जीरो के ही किसी मेंबर ने लगाया होता है जो कि इनके आसपास ही कहीं पर है पर इन्हें उनकी लोकेशन नहीं पता और उसकी लोकेशन का पता करने के लिए ऑर्डर वहां से चला जाता है। और इस तरफ जितने भी स्टूडेंट्स उस एरिना के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए जो रास्ता था वो भी किसी ने मैजिक के द्वारा बंद कर दिया था और अब ये लोग बाहर नहीं जा सकते। हर जगह एकदम पैनिक का माहौल छा जाता है और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे एरिना में पहुंच जाता है और तभी वो डीमन एक मुक्का मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो रुक जाता है और तभी फिन देखता है कि वो
मॉन्स्टर अचानक से ही बहुत सहम सा जाता है और पीछे की तरफ मूव करने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मैश ने इसे रोक लिया होता है। मैश ने उस मॉन्स्टर के अराउंड जो चेन थी उसे पकड़ लिया था और इसी वजह से वो मॉन्स्टर मूव ही नहीं कर पा रहा था। और सभी के सभी स्टूडेंट्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। मैश की ताकत को देखकर मैश के फिंगर से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। और ये देखकर सभी के सभी स्टूडेंट्स थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि मैश के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जी जान लगा रहा है उस डीमन को हराने के लिए। उनके लिए और उनके स्कूल को प्रोटेक्ट करने के लिए मैश अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। और मैश के लिए इन सभी के मन में जो इमेज थी वो चेंज होने लग जाती है और ये सभी लोग मैश को अब सपोर्ट करने लग जाते हैं। मैश तुम ये कर सकते हो, मैश तुम ये कर सकते हो, लेमन भी चिल्लाने लग जाती है, मैश तुम ये कर सकते हो। और फिन भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है देखकर। उसे यकीन नहीं आता कि जो स्टूडेंट्स अभी कुछ दिन पहले ही उसे नफरत करते थे वही स्टूडेंट्स आज उसे चीयर अप कर रहे हैं। फिन ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मैश अपनी पूरे एफर्ट्स लगाता है इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए। और तभी फिन भी चिल्लाता है, मैश तुम ये कर सकते हो। और फिन की आवाज सुनकर मैश के अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है, उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं और फिर वो उस मॉन्स्टर को लेकर आसमान में घुमाना चालू कर देता है। वो इतनी जोर से घुमाता है कि वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है, पहाड़ों को तोड़ते हुए आगे जाता है और खत्म हो जाता है। और मैश उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और सभी स्टूडेंट्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी वहां पर फिन और लेमन दौड़ते दौड़ते मैश के पास आते हैं। तभी लेमन मैश के पास आती है उसे एक किस्सी देने के लिए, लेकिन मैश क्रीम पफ खाने लग जाता है ताकि उसे लेमन की किस्सी ना लेनी पड़े। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं और रियो हेडमास्टर को बताता है कि मैश ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। और ये सुनकर हेडमास्टर एक चैन की सांस लेते हैं और उन्हें मैश पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डॉट और केल्डो मिलकर उस बंदे को पकड़ लेते हैं जो कि उस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन तभी ऑर्डर वहां पर आ जाता है और उस बंदे का कच्चूमर बना देता है और बोलता है, केल्डो मैंने सुना है तुम बहुत ज्यादा मैश की साइड ले रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, मैं कभी भी उस बंदे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन तभी केल्डो उसे कहते हैं, अरे नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैश की फिजिकल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक टाइम आएगा जब तुम्हें भी इस बात को मानना ही होगा। और अब इनोसेंट जीरो वाली न्यूज पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है और मैजिक ऑफ यूरम में सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर दी जाती है। और इस तरफ हम मैश को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बीच पर आया होता है और बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। मैश आजा वाटर मेलन के साथ खेलते हैं और तभी वो एक वाटर मेलन निकालता है जिसके नीचे एक ऑक्टोपस का पांव होता है। और तभी वो ऑक्टोपस मैश के ऊपर जाकर चिपक जाता है और उसका जो पैर था वो मैश के गले में जाकर लगता है। और डॉट बोलता है, ये क्या हो रहा है भाई, मैश मरने वाला क्या शेट। लेकिन तभी मैश एकदम से अपने सिर को पटकता है और उस वाटर मेलन के टुकड़े कर देता है। अब डॉट और मैश एक दूसरे के साथ पानी में जाकर खेलने लग जाते हैं और लेमन फिन और लेंस बहुत ज्यादा टेंशन में थे मैश को लेकर। और तभी हेडमास्टर भी वहां पर आ जाता है और हेडमास्टर एकदम मस्त बैठा होता है और एकदम मस्त नारियल पानी पी रहा होता है। और हेडमास्टर उन सभी को बताता है, मैश तब तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक वो इनोसेंट जीरो को नहीं हरा देता। और अब इनोसेंट जीरो के पास मेरी मैजिकल पावर भी है और उसके अटैक्स बहुत ताकतवर हो चुके हैं और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो ये वर्ल्ड खत्म होने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था ये इनोसेंट जीरो इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा, अब सिर्फ मैश ही उसे रोक सकता है। और तभी मैश पीछे से आता है और अपने डोले शोले दिखाकर उन्हें बोलता है, तुम चिंता मत करो मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं उसको हरा डालूंगा। और लेमन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ये फिन मैश को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा चिंता में होता है। और हेडमास्टर भी उसका एटीट्यूड देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि मैश इनोसेंट जीरो को हरा डालेगा। लेकिन तभी लेंस मैश को बताता है कि उनके सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं और अगर ये इसमें फेल हो गया तो उसे अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये सुनकर मैश के पसीने छूटने लग जाते हैं क्योंकि उसे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लेमन मैश का एक मॉक टेस्ट लेती है ताकि वो मैश की एग्जाम प्रिपरेशन को चेक कर पाए। लेकिन मैश हर एक पेपर में फेल हो जाता है और उसके सभी दोस्तों से कहते हैं, भाई मैश ऐसी बात नहीं बनने वाली, पढ़ ले भाई पढ़ ले, फेल हो जाएगा, चल कोई नहीं हम पढ़ाएंगे तेरे को, टेंशन मत ले। और मैश अपना सिर पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा टेंशन में जाता है और वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो मैश को एक एक कर पढ़ाएंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स को। और लेंस स्टार्ट करता है मैथ से पर मैश के सर से ऊपर से जा रहा होता है सब कुछ, उसका दिमाग गर्म होकर फट जाता है, वो कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता और मैश इन चीजों को सहन नहीं कर पा रहा होता और उसके दिमाग का घोंसला बन जाता है और बिल्डिंग तोड़कर वहां से भाग जाता है। और उसके सभी दोस्त ये देखकर शॉक रह जाते हैं और फिन मैश को ढूंढने के लिए भर जाता है, लेकिन उसे मैश कहीं पर भी नहीं दिखता। और ढूंढते ढूंढते फिन जंगल में पहुंच जाता है और तभी वो देखता है कि मैश ने अपने आप को नीचे जमीन में गाड़ रखा होता है गले तक। ये देखकर फिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मैश इसे कहता है, बे मैश पागल हो गए तू, ये कर रहे हैं। और मैश उसे बोलता है, सॉरी फिन लगता है मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना। लेकिन फिन मैश को बहुत ज्यादा समझाता है और उसे कहता है, तुमने कहा था ना मैश तुम हमारे साथ पढ़ोगे और हमारे साथ ग्रेजुएट होगे, तुम ये कर सकते हो यार, तुमसे हो जाएगा। और मैश उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा मोटिवेट होता है और फिन से कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो फिन। और तभी मैश जमीन को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और कहता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और मैश फिर से वापस जाता है और उन सभी से माफी मांगता है उसके पहले वाले बिहेवियर के लिए और पढ़ाई करने में लग जाता है। मैश बहुत ज्यादा स्टडी करता है, वो पूरा टाइम पढ़ता रहता है और साथ में क्रीम पफ्स खाता रहता है। और फाइनली एग्जाम का दिन आ जाता है और एग्जाम में लिखते लिखते मैश की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन एटलीस्ट वो पेपर में कुछ तो लिखता है। और अब एग्जाम होने के बाद मैश के सभी दोस्त उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं, अरे भाई चिंता मत करो मैश तुम हो जाओगे पास। और फाइनली रिजल्ट अनाउंस होता है और मैश को वो टीचर बुलाती है अपने पास। और जैसे ही मैश उस टीचर के पास जाता है तो वो टीचर उसे बोलती है, तुम बहुत ही गंदे स्टूडेंट थे, मैं सच बोलूं तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और पढ़ाई में भी तुम बहुत ज्यादा पुअर हो, लेकिन इस बार ये साफ साफ दिख रहा है कि तुमने मेहनत की है बच्चे। और उसकी टीचर मैश को उसका आंसर शीट देती है और हम देखते हैं कि मैश हर एक एग्जाम में पास हो चुका है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उसकी टीचर भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और मैश बोलता है, ये एग्जाम तो बहुत ईजी था। और ये सुनकर उसके सारे के सारे दोस्त उसे लाते मारने लग जाते हैं क्योंकि इन्होंने तो मैश को पढ़ाया होता है, वरना मैश की बस की थोड़ी थी। और तभी टॉम दौड़ते दौड़ते वहां पर आता है और बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और उन सभी को बताता है कि जितने भी सिविलियंस थे वो सभी लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़कर बाहर आ चुके हैं। और कैंपस के बाहर हम लोग देखते हैं कि जितने भी लोकल लोग थे वहां के वो मैश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि कोई बंदा जिसके पास कोई मैजिक ही नहीं है वो डिवाइन
डिवाइन विजनरी कैसे बन सकता है, ये चीज नहीं हो सकती। और मैश के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं और लेमन बाहर जाती है और उन सभी को शांत होने के लिए कहती है और उन सभी को बोलती है कि किसी बंदे का वर्थ उसकी मैजिक यूजिंग कैपेबिलिटी से डिसाइड नहीं होता और हम सभी को मैश को सपोर्ट करना चाहिए। वो अपने दम पर यहाँ पर आया है और तभी सभी लोग उसे कहते हैं, ए तू कौन है, चुप हो जा, तू तो आउटसाइडर है, हमें मत सिखा चल। और तभी लेमन बोलती है, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं मैश की होने वाली वाइफ हूँ। और ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और मैश भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, ये कब हुआ। और लेमन बोलती है, हाँ अरे वाइफ नहीं हूँ, मतलब होने वाली फ्यूचर में। और ये सुनकर पब्लिक और ज्यादा भड़क जाती है। लेकिन तभी डॉट वहाँ पर आता है और मैश का एक वकील बनकर आता है वहाँ पे और पब्लिक को समझाने की कोशिश करता है, देखो भाई समझ जाओ सबके सब, मैश में टैलेंट है ठीक है ना। और तभी ऑडियंस में से एक बंदा पत्थर उठाता है और सीधा लेमन के ऊपर फेंक कर मारता है और वो पत्थर जाकर सीधा लेमन की आंखों में जाकर लगता है। लेमन को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और मैश एकदम से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लैंस उसे रोक लेता है और लेमन बोलती है, अगर आपको सच में मैश को पनिश करना है तो उसके साथ साथ आपको मुझे भी पनिश करना होगा, तुम्हें मुझे भी सजा देनी होगी। और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसी वक्त को सोचती है जब वो पहली बार मैश से मिली थी और उसने उसकी लाइफ बचाई थी। लेकिन उसी भीड़ में एक बंदा था जो कि मैश को पकड़ने के पर्पस से वहां पर आया था और सोच रहा था कि अगर वो मैश को पकड़ लेता है तो पब्लिक में उसका बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा, इसलिए वो भीड़ को भड़काता है और कहता है, गाइस इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ना, इस पे कोई भी रहम खाने की जरूरत नहीं। और सभी लोग लेमन के ऊपर पत्थर से वार करने लग जाते हैं, लेकिन तभी मैश वहां पर आता है और मैश हर एक पत्थर को पकड़ लेता है और लेमन की जान बचा लेता है। और मैश उन सभी के सामने आ जाता है और तभी वो बंदा एक छड़ी निकालता है और प्रिजन वॉल नाम का एक अटैक यूज करने लगता है मैश के ऊपर। और तभी आसमान से एक प्रिजन वॉल आकर मैश के ऊपर आकर गिरती है जो कि पूरी तरह से मैश को कवर कर लेती है। ये प्रिजन वॉल 15 सेंटीमीटर जितनी मोटी होती है, लेकिन फिर भी मैश उसे आसानी से तोड़ देता है अपनी एक उंगली से ही और उस वॉल से बाहर आ जाता है। और मैश उस प्रिजन वॉल को उस बंदे के ऊपर फेंक कर मारता है और उसी को ही कैद कर देता है। और फिर मैश बोलता है, भले ही मुझे मैजिक यूज करना नहीं आता हो, लेकिन मैं ये प्रूफ करके ही रहूंगा कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और तभी वहाँ पर हेडमास्टर आ जाते हैं और हेडमास्टर को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं और हेडमास्टर उन सभी को बोलते हैं, मैं तुम सभी से माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग शांत हो जाएं, अभी मैश को डिवाइन विजनरी नहीं बनाया गया, अभी इसमें कुछ समय है, प्लीज आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए। और हेडमास्टर मैश से कहते हैं, मैश तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें ऐसा दोस्त मिला जो हमेशा हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। और मैश बोलता है, हेडमास्टर जी इस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं हर हाल में एक डिवाइन विजनरी बनकर ही रहूंगा ताकि मैं अपने फादर के साथ एक शांति भरी जिंदगी जी सकूं। और एंडिंग में मैश बोलता है, मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। और इस सीरीज का फोर्थ पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और जैसे ही इसका तीसरा सीजन आएगा मैं उसे कवर कर दूंगा। और अगर आपको अगली वीडियो सोलो लेवलिंग एनिमे पर चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।